का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कैसे करना है यार? मतलब आप अब किसी को पैसा भेज रहे हो तो, ट्रांसफ़र कर रहे हो तो, वो बंदा आपको भेजता है, आप उसको भेजते हो, आप ये चाहते हो कि मुझे इस हिस्ट्री को डिलीट करना है यार, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैंने पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया था। सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रूफ होता है। बट फिर भी मैं सिखा देता हूँ आपको कि कैसे गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना है। बहुत आसान है, अपने फ़ोन पर बताऊँगा जल्दी से, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं लूँगा आपका। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई सवाल अगर आपका होता है तो भाई जाइए हमारे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो, डीएम कर लो, मुझे कोई सवाल है तो मैं रिप्लाई 100% दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। ये देखो भाई साहब, ये मेरा गूगल पे का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। किसी को 1 रुपए, किसी को 500, किसी को 320, किसी को 500, किसी को 250 रुपए के लगभग मैंने ट्रांसफ़र किए, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इसको करना है डिलीट। मैं दिखाना ही नहीं चाहता कि मैंने किसको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है? तो कैसे गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करेंगे, इतना ईजी तरीका बताऊँगा, कोई भी कर सकता है। तो सीखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कोई सवाल है तो मुझे डीएम कर सकते हो। आगे फोन पे के बारे में बात कर लेंगे कैसे करना डिलीट उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। पहले सीख लेते हैं कि गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करना है। क्या है कि आपको इस लोगो पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो मिलेगा भाई आपको सेटिंग वाला ऑप्शन, ये सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। हमने जैसे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर लिखा पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी। मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं आपको क्योंकि क्लिक एक में ही करना है, तो जल्दी से भाई बताता हूँ क्लिक करना है आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर। हमने क्लिक कर दिया, अब और भी ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो लिखा डेट एंड पर्सनैलिटी जैसा जो भी लिखा, थोड़ा सा इंग्लिश वीक है मेरी, कोई बात नहीं। तो डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, सिंपल देखो यहाँ पर लिखा है गूगल अकाउंट, तो गूगल अकाउंट पर चले जाइए। हम यहाँ पर क्लिक कर चुके हैं, यहाँ पर देखो आपका फ़ोन पर जो स्क्रीन लॉक लगा है या फिर पिन डला है उसको अनलॉक कर लेना कुछ इस तरीके से, या आपके फ़ोन का जैसा लॉक आप लोग तोड़ते हो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर। अब यहाँ पर देखो उससे पहले एक और ऑप्शन आ सकता है आपके फ़ोन पर, हो सकता है आ जाए। अब जैसे हमने वहाँ पर लोडिंग चल रहा था तो ऑटोमेटिक एक नया ऑप्शन आ चुका है, यूज़ योर पी के टू कन्फर्म, मतलब कि आपका जो लॉक लगा है आपके फ़ोन पर स्क्रीन पर उस पर कंटिन्यू कीजिए और अपने फ़ोन के स्क्रीन को अनलॉक कर दीजिए, ठीक है? ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर देखो अनलॉक कर रहा हूँ इस तरीके से, मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जो जीमेल अकाउंट है ये भी ध्यान से देना, देखना कि जो जीमेल है आपका वो आपका गूगल पे का सेलेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे आप लोग तो देखो यहाँ पर हमारा ये आ चुके हैं भाई। देखो यहाँ पर मैंने किस किस दिन पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ का अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा डिटेल्स पर इस तरीके से तो यहाँ पर दिखाई देगा कि मैंने किसे पैसा ट्रांसफ़र किया, किस दिन को किया। तो यहाँ पर हम कट में क्लिक कर देंगे और भाई अब करना क्या है कि आपको इस पर सिंपल इसमें क्लिक करना है कट पर, इस क्रॉस पर क्लिक कर दो इस तरीके से, और यहाँ पर देखो लिखा है गॉट इट, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है? फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है भाई? ऐसे करके मैं सारे के सारे कर दे रहा हूँ डिलीट, ठीक है? ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मैंने डिलीट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे। आप चाहो तो इस पर क्लिक करके, ठीक है ना, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना करना है डिलीट। तो भाई यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ अवेयर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा है डिलीट, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो सारा का सारा हो जाएगा भाई डिलीट। मैंने इस पर फिर से क्लिक कर दिया, ठीक है ना? अब देखो जो मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है भाई वो सारा हो चुका है डिलीट, एक ही बार में मैंने पूरे कर दिया। सिंपल कट करेंगे इस तरीके से, हम बैक करेंगे और फिर हम दोबारा से भाई अपने गूगल पे के एप्लीकेशन। अब भाई हमने डिलीट तो कर दिया, अब सिंपल आपको गूगल पे पर दोबारा से फिर से क्लिक करना है और देखना है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसको अनलॉक करेंगे इस एप्लीकेशन को इस तरीके से और जाएंगे भाई ट्रांजैक्शन वाले के बाद। भाई यहाँ पर देखो भाई हमारा जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि हमने सारा ही डिलीट कर दिया। सो इस तरीके से गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप पूरा कर सकते हो डिलीट, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा भाई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए और भी सारे वीडियो आगे लाएंगे इसी चैनल पर। मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो पर।